जिस तरह से COVID-19 के केसेस महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में बढ़ रहे हैं, हमें लगता है परिस्थिति चिंताजनक है। भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है, बाजारों में भीड़ है, जगह जगह भीड़ लोग कर रहे हैं। जिस तरह से अंदेशा दिखाया जा रहा है कि जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में तीसरी लहर आएगी, लोग चीज़ों की अनदेखी ना करें, खतरा मंडरा रहा है। अगर इसी तरह से लोगों ने अनदेखी की तो हमें लगता है कि लॉकडाउन की दिशा में महाराष्ट्र जाएगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा। ऑडियो ऑडियो बड़ा हो रहा है। अरे इसमें सर कल जिस तरह से पवार साहब ने बात कही है उसमें सच्चाई है। 2019 में बीजेपी चाहती थी कि एनसीपी बीजेपी के गठबंधन की सरकार बने, लेकिन पार्टी ने उस पर चर्चा कर निर्णय लिया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और मोदी जी का आग्रह था कि बीजेपी एनसीपी का गठबंधन हो, लेकिन पवार साहब ने उसे मना कर दिया। ये सच्चाई है। और जब मना किया गया तब पार्लियामेंट में मैं भी था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं।